Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon to get all the latest updates. बीते रविवार को दिल्ली के बुराड़ी ग्राउंड में आयोजित हिंदू महापंचायत में कथित रूप से जिन पत्रकारों पर अटैक हुआ था, उनमें से एक पत्रकार मीर फैजल पर दिल्ली पुलिस ने रिलीजियस एनमिटी को उकसाने के आरोप में उन पर मुकदमा दर्ज किया है। DCP नॉर्थ वेस्ट उषा रंगनानी के अनुसार द हिंदुस्तान गैजेट के पत्रकार मीर फैजल और न्यूज़ वेबसाइट आर्टिकल 14 पर कथित रूप से दो रिलीजियस कम्युनिटी के बीच नफरत पैदा करने के आरोप में मुखर्जी नगर पुलिस स्टेशन में उन पर IPC की धारा 505(2) के तहत मुकदमा दर्ज किया है। दिल्ली पुलिस के द्वारा पत्रकारों को घटनास्थल से ले जाने के बाद पत्रकारों ने ट्विटर पर हिंदू महापंचायत में आई भीड़ पर उनसे मारपीट करने का आरोप लगाया। मीर फैजल ने लिखा, मुझे और मेहरबान को भीड़ के द्वारा इसलिए मारा गया क्योंकि हम मुस्लिम थे। बुराड़ी ग्राउंड में आयोजित इस महापंचायत में मुझे सांप्रदायिक गालियां दी गई। हम वहां पर उस इवेंट को कवर करने गए थे जहां हमें जिहादी कहा गया और मुस्लिम आइडेंटिटी होने के कारण हमें पीटा गया। आर्टिकल 14 के ट्विटर हैंडल पर इस घटना की जानकारी देते हुए लिखा गया कि 5 पत्रकार, जिनमें से 4 मुस्लिम थे और एक आर्टिकल 14 के असाइनमेंट पर गए हुए थे, उन पर हिंदू महापंचायत में अटैक हुआ और अब उन्हें मुखर्जी नगर पुलिस स्टेशन ले जाया गया है। दिल्ली पुलिस ने इस आयोजन के मामले में ऑर्गेनाइजर सेव इंडिया फाउंडेशन के अध्यक्ष प्रीत सिंह और यति नरसिंहानंद पर भी हेट स्पीच देने के आरोप में उन पर मुकदमा दर्ज किया है। प्रीत सिंह जंतर मंतर पर दिए गए हेट स्पीच के मामले में इससे पहले 47 दिन की जेल काट चुके हैं। वहीं यति नरसिंहानंद भी हेट स्पीच के मामले में अभी बेल पर बाहर हैं। यति नरसिंहानंद को बेल देते हुए कोर्ट ने यह कहा था कि मजिस्ट्रेट इनसे एक अंडरटेकिंग लें कि ये आगे कभी ऐसे स्पीचेस नहीं देंगे या ऐसे किसी इवेंट का पार्ट नहीं होंगे जिससे कि कम्युनल हारमोनी का खतरा हो। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने जर्नलिस्ट पर हुए अटैक के मामले में अपना स्टेटमेंट जारी करते हुए उस घटना को खेदजनक बताया है। आगे लिखा कि यह और ज़्यादा दुखद है कि दिल्ली पुलिस इस मामले में म्यूट स्पेक्टेटर बनी रही और दोषियों को अरेस्ट नहीं किया। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने उन दोषियों की तत्काल गिरफ्तारी की भी मांग की है। अब दिल्ली पुलिस ने बुराड़ी ग्राउंड के इस हेट स्पीच मामले में ऑर्गेनाइजर्स के साथ साथ पत्रकारों पर भी मुकदमा दर्ज किया है और आगे इस मामले में इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। मोजो स्टोरी के लिए मैं ऋषिकेश दिल्ली से। It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.